अगर ओलंपिया से इसको ऊपर लेकर के जाना है तो ये करो कि जो मिस्टर ओलंपिया विनर बनता है ना उसको क्वालिफिकेशन आप दो आइकॉन वर्ल्ड क्लासिक खेलने की। आई मीन फिर तो वो सबसे ऊपर ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये कहा था दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, और अभी कुछ ऐसा होता हुआ हम लोग देख भी रहे हैं। हाल ही में आइकॉन वर्ल्ड क्लासिक की तरफ से अभी नए अपडेट्स पुश किए गए हैं जिसमें कि काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट करे गए, बताया गया कि किस तरह से आप इसमें कम्पीट कर सकते हो, क्या क्राइटेरिया रहेंगे इसमें क्वालिफाई करने के। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम लोग दोस्तों बात करते हैं, यही आज का टॉपिक है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। बात करते हैं इन सब क्राइटेरियाज़ के ऊपर। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो भी इन्होंने रखा है। क्राइटेरिया नंबर वन इन्होंने ठीक यही रखा कि जो ओलंपिया विनर है या फिर कोई जो पुराना ओलंपिया चैंपियन है वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा आइकॉन खेलने के लिए। इसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया ये रखते हैं, टॉप फाइव जो कॉम्पिटिटर्स होंगे ओलंपिया में जो प्लेस करेंगे वो इसमें कम्पीट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पांच कॉम्पिटिटर्स लास्ट ईयर के इस वक्त क्वालिफाइड हैं इस शो के लिए, जिसमें कि नाम आता है डेक्स्टर, ब्रेंडन, बोनैक, शूपन और रोली। तो इसका मतलब ये पांचों के पांच इस साल खेल सकते हैं आइकॉन वर्ल्ड क्लासिक में। फिर तीसरा क्राइटेरिया इसमें डाल देते हैं कि टॉप थ्री जो आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर प्लेस करेंगे उनको भी हम आने देंगे आइकॉन खेलने के लिए। तो ये जो टॉप थ्री है इस साल के आर्नोल्ड में जो प्लेस करेंगे उनको ये आने देंगे। वहीं जो टॉप फाइव की मैंने बात करी थी जो ओलंपिया में प्लेसिंग लेकर आए वो 2019 की मैंने बात करी थी। अब उसमें अगर ये चाहते तो टॉप फाइव 2020 के ओलंपिया से भी ले सकते थे, अब वो इनकी मर्ज़ी है। खैर ये मैंने आपको इनका तीसरा क्राइटेरिया बताया, इसके बीच में मैंने एक क्राइटेरिया स्किप कर दिया था, वो आप देख रहे होंगे कि कोई भी अगर IFBB प्रो इवेंट जीतता है उसकी इन्होंने टाइमिंग दे रखी है जून 2019 से लेकर के अगस्त 2020 के बीच में, तो उसको भी ये क्वालिफिकेशन देंगे। तो ये कुल मिलाकर के इनके चार क्राइटेरियाज हैं जिसमें से कि कोई भी एक फुलफिल करना ज़रूरी है तो क्वालिफिकेशन इस वाले शो में आइकॉन वर्ल्ड क्लासिक में खेलने के लिए मिल जाएगी। तो आई थिंक ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल एक परफेक्ट चीज़ करी है, ओलंपिया से भी क्वालिफिकेशन दे रहे, जबकि आर्नोल्ड के अंदर क्वालिफाई करने का कोई तरीका होता ही नहीं है, सिर्फ आपको एक बड़ा नामी बॉडी बिल्डर होना चाहिए फिर आपको क्वालिफिकेशन भेजा जाएगा, कोई एग्जैक्ट जरिया ही नहीं है। पर यहाँ पर इन्होंने ये करीबन चार तरीके बताए हैं इसमें क्वालिफाई करने की, और ये हर एक डिवीजन पर, चाहे मेंस फिजिक हो, चाहे क्लासिक फिजिक हो, 212 हो या फिर मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग हो, सब पर यही तरीके क्वालिफिकेशन के अप्लाई होते हैं। लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट ये होती है क्योंकि इन्होंने एक बात ये भी बोली है कि डिवीजन चाहे कोई भी हो लेकिन 12 एथलीट से ऊपर कम्पीट नहीं कर सकते। अभी हम लोगों को एक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने बोला टॉप फाइव ओलंपिया से आएंगे, टॉप थ्री आर्नोल्ड से आएंगे। अगर मान लो सबके सब चाहते हैं कि हम सारे ही कम्पीट करेंगे तो 8 एथलीट्स तो यही हो गए। अब यहाँ पर आप मान के चलो कि मैं बात कर रहा हूँ मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की, जिसमें कि सालाना करीबन 15 से ज़्यादा प्रो शोज होते हैं, इसका मतलब वो 15 के 15 बॉडी बिल्डर्स भी क्वालिफाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली शो के लिए अगर वो सब कम्पीट करना चाहे। तो कुल मिलाकर के जो एक नंबर बनेगा वो बनेगा 8 + 15 यानी कि 23। इस हिसाब से देखा जाए तो 20 से ज़्यादा एथलीट्स तो क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि इन्होंने बोला 12 से ऊपर तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को ये लोग किस तरह मैनेज करेंगे, ऐसा इन्होंने कुछ भी अभी तक अपडेट इसके ऊपर नहीं डाला है। और ये चीज़ फिर एक कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा करती है कि 12 एथलीट्स किस हिसाब से आप चुनोगे, तो उसमें क्या कोई पॉइंट स्टैंडिंग सिस्टम डालोगे या क्या करोगे, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं इसमें बताया है। इसमें ये एक दिक्कत तो है लेकिन इसका एक फ़ायदा भी बहुत है क्योंकि ये आइकॉन को बोरिंग नहीं बनने देगा, उसको कॉम्पैक्ट रखेगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखेगा। वहीं ओलंपिया में हम देखते हैं कि मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक मिल करके बहुत ज़्यादा तादाद में बॉडी बिल्डर उसके अंदर कम्पीट करते हैं, एथलीट्स कम्पीट करते हैं, तो वो बोरिंग बन जाता है। तो ये सब इसमें चीज़ें थी जो अपडेट से मैंने आपको बताए, और धीरे धीरे करके जो बातें पता लगेंगी सब बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग सुन रहे हैं फिल हीथ की रूमर्स बहुत ज़्यादा उड़ाई जा रही है मार्केट में, या उड़ रही है कि वो तो आएंगे ही आएंगे ओलंपिया को स्किप करके। और जैसे हमने अभी ये वाला रिसेंट पोस्ट देखा है फिल हीथ का, इससे भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बड़े कॉम्पिटिटर्स हमें इसमें दिखेंगे इस साल ज़रूर, और काफ़ी दिलचस्प ये इवेंट रहेगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स नीचे लिखिएगा, आपको लगता है कि ओलंपिया से जो ये लोग कॉम्पिटिटर्स उठा रहे हैं अपने पास में लाने के लिए वो इसको और एक एज देगा, मदद करेगा इस कॉम्पिटिशन को पॉपुलर करने में, मुझे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतने, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।